कि जिस तरीके से जनता ने हमें माइंडेट दिया है वो माइंडेट सेवा करने के लिए दिया है, काम करने के लिए दिया है। पार्टी के मंत्री और विधायक हर मंगलवार को जीतन राम मांझी जी के आवास पर जनता से मिलेंगे, बिहार की जनता की समस्याओं को सुनेंगे। जीतन राम मांझी को लेकर के हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से जीतन राम मांझी दिल्ली में अलग से उनकी मुलाकात होती है नित्यानंद राय से। नित्यानंद राय को आप जानते हैं, नित्यानंद राय देश के गृह राज्य मंत्री हैं और उन्होंने ही सदन में इस बात को कहा था कि जातीय जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जनगणना जो है वो आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। जातीय जनगणना के जरूरत को उन्होंने गैर जरूरी बताते हुए इसको सिरे से इनकार कर दिया था और सदन में ये बात हुई थी। उसके बाद से विपक्ष जो है और खास करके आरजेडी बिहार में एक्टिव हुई जातीय जनगणना कराने के लिए। इन सारी बातों के बीच जब आपको बता दें कि सारा लोग जाता है दिल्ली और प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, उसके बाद सभी अपने अपने गंतव्य की तरफ निकलते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी से मिलने के लिए नित्यानंद राय पहुंचते हैं और जीतन राम मांझी से उनकी घंटों बातचीत होती है। उसके बाद जीतन राम मांझी वापस आते हैं। वापस आने के बाद आपको बता दें कि हमने खबरों के माध्यम से ये भी आपको बताया था कि नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच में क्या बातें हुई है, लेकिन इतना तय माना जा रहा था कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसलिए बात करने लोग गए थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये उनसे आग्रह करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो शख्स जो मंत्रालय के मंत्री ये कहते हो कि जातीय जनगणना जरूरी नहीं है, वो अगर जीतन राम मांझी से मिलते हैं तो निश्चित रूप से बातें चर्चा में आएंगे ही आएंगी। लेकिन इन सब बातों को चुपचाप सहते सुनते हुए अचानक से जीतन राम मांझी ने एक फैसला किया है और वो फैसला उन्होंने आ करके नीतीश कुमार और खास करके कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनता दरबार लगा रही है, अब हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी जनता दरबार लगाएगा। आपको बता दें कि सारी बातों से इतर जीतन राम मांझी ने जनता दरबार लगाने की बात कही है और आपको बता दें कि ये जनता दरबार हर मंगलवार को लगाया जाएगा। संतोष मांझी बिहार के SC ST कल्याण एवं लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, वो भी लगातार लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और लोगों की फरियाद सुनेंगे। अब इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि एक नया मोड़ आया है और हालांकि नित्यानंद राय के साथ क्या बातचीत हुई है अभी भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली से पटना लौटने के साथ ही अगर जीतन राम मांझी का ये फैसला है कि वो भी जनता दरबार लगाएंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी बात भीतरखाने में जरूर चल रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान। देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी जी के निर्देश पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने तय किया है कि पार्टी के मंत्री और विधायक हर मंगलवार को जीतन राम मांझी जी के आवास पर जनता से मिलेंगे, बिहार की जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसके ऊपर में दिशा निर्देश लेकर के उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। ये चीज बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से जनता ने हमें माइंडेट दिया है वो माइंडेट सेवा करने के लिए दिया है, काम करने के लिए दिया है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे दल के नेता साफ तौर पे कह चुके हैं कि जनता के सेवा के लिए दिन रात काम करना होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जनता दरबार का फैसला लिया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।